जितेंद्र कड़ू कड़ो कड़ो जितेंद्र जो कि इस प्रतियोगिता में इस टूर्नामेंट में हमने काफी सारे कैच लगे हैं और पहली ओवर लेकर कुणाल सचिन होते हैं। जो भी टीम जीत हासिल करेगी फाइनल में इंतजार कर रही है भावेश पैकर वर्तक नगर। पहली गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत, तेज तर्रार गेंद थी, गेंद शरीर से जा टकराई थी, एक रन लेग वाइज के रूप में जरूर मिलता हुआ और इस एक रन के साथ खाता जरूर खुलता हुआ। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट यहां पर रखा गया है 40 रनों का, इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए 40 रन बनाने जरूर। अब देखने वाली बात यह है कि 40 रन बनाने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं बल्लेबाज, क्योंकि आदित्य के पास वो क्वालिटी है, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी। बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद रही इस वक्त लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। बड़ी सी बड़ी टीमों में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, डिंग डोंग जैसी टीम में ये परफॉर्मेंस कर चुके हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर जिसे कहा जाता है, बहुत ही डेंजर बैट्समैन है। अगर रेंज में गेंद इनके आती है तो आउट ऑफ द पार्क करने की चाहत रखने वाला बल्लेबाज। तेज तर्रार गेंद फिर से एक बार, अच्छी गेंद थी, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, बिल्कुल युवा खिलाड़ी है इस वक्त गेंदबाज कुणाल, गति के महारथी है, तेज तर्रार गेंदबाजी जरूर करते हैं और तेज तर्रार के साथ साथ यहां पर एक ऐसे बैट्समैन को इन्होंने शांत रखा है कि अगर इनका बल्ला चला तो रनों की मशीन बन सकते हैं बल्लेबाज आदित्य। इस बार ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जज किया, गेंद को छोड़ दिया ना कि छेड़ा, गेंद लेग स्टंप के बाहर रही, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त देखने मिलती हुई और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 3 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 3 रन, अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज कुणाल, बड़ा हिट लगाने की चाहत, दिस इज अ बिग 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 एंड अ बिग ब्लो, व्हाट अ हिट, आदित्य ऑन फायर, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। ये खिलाड़ी अगर विकेटों पर खड़ा रहा तो मैच की दशा और दिशा चेंज करने में इन्हें वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये अकेले ही अपने दमखम पर अपनी टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका दे सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि एक सिक्स लगने के बाद क्या कुणाल वापसी करेंगे, क्योंकि गेंदे उनकी इस वक्त बची है 3, 3 गेंदे अभी भी आना शेष है कुणाल की। एक और प्रहार, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, व्हाट अ हिट, क्या बात है, 2 गेंदों पे 2 सिक्स लगाकर मैच का दृश्य चेंज करने की काबिलियत रखने वाला बल्लेबाज आदित्य शेट्टी। आदित्य डेंजर बैट्समैन, 2 गेंदों पे 2 सिक्स इन्होंने जरूर जड़े हैं, मैच को अपने कंट्रोल में लाने की जरूर कोशिश की है क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है, 40 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए 40 रनों की दरकार है और स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर 15 रनों पर दर्शाता हुआ, एक टफ मैच इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ, एक टफ एनकाउंटर मैच। बैक टू बैक 3 गेंदों में 3 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम इस वक्त करते हुए आदित्य शेट्टी, क्या बात है, बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर 6, तीसरी गेंद पर भी 6 रन। जिस तरीके से हमारे देश में कांदे और प्याज का भाव बढ़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर जीतू पैकर्स का रेट और भाव बढ़ता हुआ रनों का 21 रन। 13 गेंदे जीत के लिए 19 रनों की दरकार, 19 रनों की जरूरत। कुणाल की अगर बात करें तो अब तक के इस प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इनके माध्यम से देखने मिली, लेकिन इस वक्त ये काफी महंगे इस वक्त साबित होते हुए 3 गेंदों में 3 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम यहां पर कर लिया है आदित्य शेट्टी ने और अब अंतिम और आखिरी गेंद लेकर तैयार कुणाल। इसी बीच
ये गेम। इस बार ये सम्मानजनक स्ट्रोक जरूर खेला था। अच्छी गेंद का सम्मान करना और खराब गेंद का समाचार यहाँ पर लेना, ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है। उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। सिंगल लेने की चाहत थी अंतिम और आखिरी गेंद पर, लेकिन उन्होंने ऑपोजिट जो बैट्समैन है जितेंद्र, उन पर भी भरोसा जताया है। ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर है 21 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अब देखना यह है कि गेंदबाजी की कमान किसके हाथों में थमाई जाती है, गेंद और जिम्मेदारी किस पर दी जाती है। यस, पवन को यहां पर चुना गया है, दूसरी ओवर लेकर आए हैं। 12 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 19 रन, बारह गेंदे 19 रन। मैच में रोमांच इस वक्त जारी है। जीतू पैकर्स सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम क्यों बनी थी, ये चीज को प्रूफ कराते हुए इस वक्त आदित्य शेट्टी 8 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, लेकिन उनका ठाट देखिए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। भले से उन्होंने पेनल्टी भी ली, हर एक चीज एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्रिकेट यहाँ पर उनकी खेलने की चाहत ये बहुत ही बढ़िया। चलिए न्यू बैट्समैन इस वक्त प्रवेश करते हुए संदीप, न्यू बैट्समैन के रूप में यहाँ पर जितेंद्र की जगह जरूर लेंगे और अभी भी नॉन स्ट्राइक हैंड पर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज आदित्य। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 6 के साथ अकाउंट खोला और 6ों की कंटिन्यू बारिश की। 3 गेंदों में 3 6 उन्होंने लगातार जड़े। ग्यारह गेंदे जीत के लिए 19 रनों की जरूरत है। एक झटका जीतू पैकर्स की टीम को जरूर लगा है। इसी बीच अगली गेंद पवन की, ऊपर जाकर कट करने का प्रयास किया था। परफेक्ट ऑलराउंडर ये खिलाड़ी पवन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके बाद बेहतरीन लेग कटर गेंदबाजी करने में माहिर गेंदबाज पवन। इस बार देखिए गेंद रही डॉट के रूप में, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। पवन ने अब तक के गेंदे की है 3 और 3 गेंदों में 1 विकेट अपने नाम जरूर किया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी, विकेटों का सही तरीके से वापर कर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी ओवर पिच गेंद प्रहार किया, गेंद जाती हुई डीप कॉर्नर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और उस पर मोहर लगी 6 रन। व्हाट अ हिटर। चलिए झूमा बॉल वहां से प्लीज देना है। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, चलिए मैच बॉल आ गया है तो प्लीज ग्राउंड के अंदर ताबड़तोड़ भेजे, क्योंकि अब सिचुएशन है 27 रन हो चुके हैं और रनों की जो दरकार है, बची हुई 8 गेंदे और रन की जो जरूरत है वो है 13 रन। 13 रन की जरूरत। इस बार एक और प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए प्रहार। व्हाट अ हिट, क्या बात है। आदित्य की अगर बात करें तो ये फाइटर खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने ये चीज को प्रूफ किया। 8 खिलाड़ियों से लेकर उन्होंने ये मैच को खेलना समझा और उसमें 3 रन पेनल्टी भी है। मैं ये जरूर बता दूं दर्शकों को कि 3 रन की पेनल्टी भी लगी है इस टीम को। इस बार चलिए ये गेंद रही डॉट के रूप में, मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ। 6 गेंदे बची हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 7। 6 गेंदे 7 रन। मैच की समाप्ति से पहले सूरज जो कि भावेश 11 की कैप्टन है, आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा।
प्रेम पाटिल कर लो प्रेम वो छह गेंदों में सात रन की जरूरत। आदित्य शेट्टी सामना करने के लिए तैयार होते हैं। पहली गेंद व्हाइट के रूप में विजय। छह गेंदे जीत के लिए छह रनों की जरूरत। सामना करने के लिए तैयार है आदित्य। इसी बीच गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत में गेंद का भी समय तलक के हवा में एक रन दौड़कर पूरा किया। पांच गेंदे जीत के लिए पांच रनों की जरूरत। हमें अच्छा बनने पांच गेंदे पांच रन। इस वक्त सिचुएशन कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ सेमीफाइनल मैच। गेंदबाज विजय फिर से एक बार सज्ज होंगे, सामना करने के लिए तैयार है संदीप। अच्छी बल्लेबाजी संदीप ने की है, दो सिक्स जरूर जड़े हैं। इसी बीच अगली गेंद में इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्ट्राइक रोटेट की है क्योंकि गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है तो बैट्समैन चॉइस है यहाँ पर कि वो अपने पास स्ट्राइक रखे या फिर अपने नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को मौका दे, क्योंकि सिचुएशन है इस वक्त चार गेंदे चार रन। इसी बीच अगली गेंद है, इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। ये गेंद डालने के बाद मैं तो यही कहूंगा दर्शकों को कि अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये क्रिकेट है दोस्तों, ये कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम और आखिरी गेंद तलक के कुछ नहीं कहा जा सकता, कब रंग बदले कब रूप बदले ये भरोसा नहीं। गेंदबाज फिर से एक बार सज्जे होते हुए विजय। गेंदें बची हैं तीन, रनों की दरकार है वो है चार। इस बार फुल टॉस गेंद थी, प्रहार जरूर किया है। गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, दो रनों के लिए अपने बाद। अब टेंशन क्योंकि सबसे बड़ा विकेट इस वक्त गिरा है। क्या मेरे ख्याल से यहाँ पर बॉल हाथ में नहीं है? यस सर, बॉल मेरे ख्याल से हाथ में नहीं आई। बॉल ऐसा लगा कि वीडियो का फर्नीचर पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो गया, शायद विकेट गिरा हो, लेकिन चलिए टेंशन जो था वो वापिस टेंशन दूसरी टीम पर नजर आता हो। कंपलसरी चेसिंग है, ये चीज ध्यान में रखिएगा बैट्समैन एंड फील्डिंग टीम। इस दो रन के साथ मैच में वापसी हुई है। 38 है, दो गेंदे दो रन, दो गेंदों में दो रन। वाह उदय परवा ना बड़ा हिट और यहाँ पर सेमीफाइनल। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, सोचिए सेमीफाइनल इतना डेंजर है तो फाइनल कैसा होगा। एक बॉल दो रन, मैच की स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है। एक बॉल में दो रन की जरूरत है। सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त संदीप को होगा क्योंकि इस वक्त वो ज्यादा दबाव में है, क्योंकि एक बॉल दो रन कंपल्सरी चेसिंग है। अगर पेनल्टी नहीं लगती समय पर आते तो शायद मैच भी हो सकते थे। पेनल्टी भारी पड़ती हुई, तीन रनों की जो पेनल्टी लगी समय पे नहीं पहुंचने के कारण
वो रन अब इस वक्त काटा बन के चुपते हुए तीन रन की पेनल्टी, ये पेनल्टी क्या भारी पड़ेगी या फिर यहाँ पर मैच की समाप्ति होगी। लेकिन मैं तारीफ करूंगा विजय की, क्या गेंदबाजी की, क्या जवाब, भले से एक वाइड डाला लेकिन रनों को कंजूसी भरी गेंदबाजी में कन्वर्ट किया, बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस इस वक्त देखने से मिलता हुआ। प्रहार के असर एक रन तेजी के साथ यहाँ पर जीत हुआ कैसे नौ पर की टीम ने क्या मैच।